नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत क्या है? तो यह है लाइकेंस तथा मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक को मानसिक रोग पैदा करता है वह कौन है, कौन सा है? तो है पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई एवं कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषण क्या है? तो है सीओ एवं SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण जैव अक्षयकारी प्रदूषण? तो DDI प्लास्टिक या पारा, ये जैव अनरक्षी प्रदूषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वायु गैस को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये CO2 गैस को प्रदूषित नहीं करती है, सॉरी वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो CO2 वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो यह नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीत प्रदूषण क्या कहलाता है? तो यह परजैविक प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन परत का पता लगाया गया वह कहाँ है? तो है अर्कांटिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? तो करती है अल्ट्रावायलेट किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है? तो 45 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होगी वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरी कहाँ पर स्थित है? तो नीरी है नागपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्टोन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन की घटना किस मौसम में सर्वाधिक होती है? तो होती है वर्षा काल में। नेक्स्ट है, नदियों में तपीय प्रदूषण को कैसे रोका जाता है? तो रोका जाता है ताप विद्युत ग्रहों से निकलने गर्म जल को नदियों में न डालकर, मतलब क्या, नदियों में जो तापीय प्रदूषण को कैसे रोकते हैं? तो जो विद्युत होती है ताप विद्युत ग्रह से जो गर्म पानी निकलता है उसको नदियों में न डालें, तो नदियों का तापीय प्रदूषण नहीं फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण नियंत्रक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? तो यह पारा या सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में गैस दुर्घटना कब हुई थी? हुई थी 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया? तो यह था हैंडसन ने। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी बहिस्राव क्या है? तो यह शाही अवशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में किस प्रदूषण के कारण शिशुओं में नीलीवर्म बीमारी हो जाती? तो होती है नाइट्रोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है? तो SO2, NO2 और NO, ये तीन गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तापमान में वृद्धि का क्या दुष्परिणाम है? तो वर्षा की कमी होती है, इससे जलवायु में परिवर्तन व सूखा और अकाल एवं बाढ़ के जैसे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को सर्वाधिक योगदान करती है? तो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ? तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, इस रिसाव के कारण भोपाल में गैस कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक है? तो धूल जो
धूल प्रदूषण होता है वो नीम का वृक्ष इसको रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसके उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से फलस्वरूप होता रहा तो क्या होगा? तो का जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय होंगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन छूट गया है कि अनिमाता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मर्क्यूरी के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड युक्त जल में कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें खून की कमी, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, शारीरिक अंगों में विकृति जैसे रोग हो जाते हैं फ्लोराइड के युक्त जल में जल को पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो होता है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? तो शुद्ध जल की प्रतिकृति उदासीन होती है। नेक्स्ट है, हरित गैस कौन सी है? तो है सी एफ एस सी CO2 CH4 और NO2। नेक्स्ट है किस वायु के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है? तो शीशा के वायु प्रदूषण कारण होता है। नेक्स्ट होता है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूर में किसके कारण लौह संक्रमिता रोग होता है? तो होता है सिलसिला के कारण, सॉरी सिलका के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति किसके कारण पहुंच रही है? तो है मथुरा तेल शोधक से निकलने वाले प्रदूषण के कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT क्या है? तो DDT अजीव अपघटनीय प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो होती है त्वचा का कैंसर की बीमारी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।